हरियाणा की एक राज्यसभा सीट के लिए चल रही उठापटक के बाद आखिरकार भाजपा ने देर शाम राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी और अपने उम्मीदवार से नामांकन भी भरवा दिया। इस बार भाजपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स का नाम आगे किया है। डीपी वत्स हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। वत्स वही शख्स हैं जिसे कभी भाजपा ने हांसी से विधानसभा टिकट देने से मना कर दिया था, लेकिन अब उन्हीं वत्स पर सरकार ने राज्यसभा का दाव खेला है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है डीपी वत्स और उन्हें राज्यसभा टिकट देने में भाजपा को क्या फायदा हो सकता है। 16 अप्रैल 1950 को हिसार के थुराना में जन्मे डीपी वत्स 10वीं तक सरकारी स्कूल में ही पढ़े। रोहतक PGIMSA की डॉक्टरी की पढ़ाई और 1975 में सेना में चुने गए, जिसके बाद 1982 में AFMC से MS की। इस समय अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में नेत्र विज्ञान विभाग में अध्यक्ष हैं और पुणे स्थित आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज यानी AFMC के कमांडेंट व निदेशक भी रह चुके हैं। डीपी वत्स को राज्यसभा भेजकर भाजपा ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। हरियाणा में चूंकि सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों की बहुत अधिक संख्या है तथा देश का हर 10वां सैनिक हरियाणा से है, इसीलिए भाजपा को डीपी वत्स के राज्यसभा जाने से राजनीतिक लाभ की उम्मीद है। वत्स का नाम अंतिम समय में चर्चा में आया था। इसके पहले सुधा यादव, रामचंद्र जांगड़ा के नाम भी उछले थे। जांगड़ा का नाम तो तय माना जा रहा था, लेकिन वत्स बाजी मार ले गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वत्स हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। वत्स पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 14 अगस्त 2014 को उन्होंने जनरल और भाजपा नेता वीके सिंह के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। तब वत्स ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित बताया था। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स ने सेना से रिटायरमेंट के बाद खापों के लिए भी काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में खापों पर चले मामले में डीपी वत्स ने उनकी जोरदार पैरवी की। सेना में सेवाओं के दौरान डीपी वत्स को कई अवार्ड भी मिले हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स को 2011 में परम विशिष्ट सेवा पदक का सम्मान मिला। जनरल वत्स को 2013 में सेना पदक और 1999 में विशिष्ट सेना पदक सहित कई सम्मान हासिल हैं। अगर डीपी वत्स राज्यसभा सांसद बनते हैं तो हिसार के वे तीसरे ऐसे शख्स होंगे जो राज्यसभा जाएंगे। कुमारी शैलजा, सुभाष चंद्रा भी हिसार से ही संबंध रखते हैं और भाजपा उम्मीदवार अब डीपी वत्स का संबंध भी हिसार से ही है। ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा की एक राज्यसभा सीट के लिए भाजपा ने बड़ा दाव खेला है। अगर विपक्ष से कोई उम्मीदवार आता है तो 23 मार्च को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। पूरी संभावना ये है कि जनरल वत्स का चुनाव निर्विरोध होगा, क्योंकि विपक्षी दलों के पास टक्कर देने लायक आंकड़ा और चेहरा है ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।